जरा। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइज, आज हम आ चुके हैं पार्ट टू में। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पार्ट वन में गए थे एक हॉन्टेड पूल पे, जहाँ पर गाइज हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनकी बच्ची जो है उस पूल में जो है बहकर उसकी मौत हो गई थी, और बाहर आने की वजह से वो बच्ची जो उसके अंदर चली गई और उसकी मौत हो गई थी। गाइज, तो हम वहाँ पर गए और सबसे पहले उनके माँ बाप का जो है मेंडी भाई, वो ये कहना है कि वो बच्ची जो है उनको आज भी सपने में दिखती है और कभी कभी तो रूबरू दिख जाती है वो बच्ची। तो वो डरे हुए काफी, और उनका ये कहना है कि शराफत भाई, आखिर मसला क्या, क्या वो बच्ची हमारी जिंदा है या उसको मुक्ति नहीं मिला, हाँ, मामला क्या जो वो हमें दिखती है। अब वो उनका वहम है यार, उनके वो माँ बाप थे, वो बच्ची अब उनको क्यों दिख रही है ये हमें नहीं पता। फिर हम गांव में जहाँ पर वो ऐसा हादसा हुआ था वहां पर आसपास में हम लोगों ने लोगों से पूछताछ की कि भाई ऐसा, तो कुछ जो वहां पर लोग थे उनका कहना था कि हाँ वो बच्ची उनको वहां पर देखी गई, मतलब ऐसे दो से तीन लोगों ने बोला कि हाँ हमें दिखी है वो। फिर हम उस लोकेशन पर गए, मंडी भाई उस लोकेशन पर गए तो हमारे साथ एक ऐसा मसला हुआ कि वो लड़की हमें नहीं दिखी, लेकिन वहां पर जैसे ही हम शूट कर रहे थे उस जहां पर उसकी मौत हुई आसपास, हम ऐसे गए आगे, जस्ट हम 10 कदम आगे बढ़े होंगे और पीछे जैसे ही हम घूमे तो वहां पर कोई लड़का खड़ा था। अब वो लड़का खड़ा था, वो इंसान था, भूत था, आत्मा थी, क्या थी वो हमें नहीं पता, लेकिन हम वहां से निकल गए। रीजन यही था कि मैं और मोनू थी, तो आप लोगों ने मतलब वहां गए थे से इंसान उसको होता, देखा होगा ना, गॉड्स ट्राई किया होगा कि कुछ बात इंसान होता तो वो बोलता भाई क्या कर रहा है, तो आप लोगों ने ट्राई की उनसे? नहीं नहीं, हम डायरेक्ट हमने कहा निकलो, लेट नाइट गए थे। हाँ, एट नाइट गया और मैंने कहा मुंह को निकलो क्योंकि हम दूरी थे। और यार ऐसी सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा होता तो हम इतने गए तो वो बंदा जो था वो आगे तो दिखना तो चाहिए था हमें कि भाई इधर से जा रही है, हम 10 कदम और हम घूमे तब तक वो कहाँ से आ गया। ऐसे में अगर कोई इंसान आता या तो वो खुद सुसाइड करने गए, हाँ, और या वो इंसान नहीं, हाँ, दो ही सिचुएशन हो सकती है। तो इस बात से हम ज्यादा कंफ्यूज है, तो इस रिलेटेड आज हम बाबा जी से भी पूछेंगे, तो आपको ये सारी बातें बतानी मोनू भाई और मंडी भाई बाबा जी को, आखिर वो मसला क्या थी और वो लड़की वहां पर क्यों भटक रही है, और अगर वो भटक रही है तो वो क्या चाहती है, सब कुछ आपको बाबा जी से पूछना है। ठीक है, ओके, रेडी? और ये जो विनय जी ने किया था, जी जी जी। और दोस्तों एक ये जो है देखो चुन्नी है, ये बाबा जी के लिए जो है हमारे भाई दिनेश जी ने ये जो है गिफ्ट की है बाबा जी के, क्योंकि बाबा जी को काला कलर जो बहुत पसंद, जैसे कि आप गाइस देखते हो कि मैं जो बाबा जी के लिए जैसे ये काला जब्बा है, तो काला जब्बा और कुर्ता और जो इमामा है या जो पगड़ी कह सकते हो आपकी लैंग्वेज है, वो भी मैं ब्लैक कलर की ही पहनता हूँ। उसका रीजन ये कि बाबा जी को और जिन्नातों को ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उन्होंने ब्लैक कलर की ये चुन्नी दी, काफ़ी सुंदर है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो आज इसको हम पहनते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका ये तोहफा देने के लिए बाबा जी के लिए। तो चलिए फिर जो है बाबा जी को बुलाने की कोशिश करते हैं। रेडियो, याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, हमें आपसे बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आका, तशरीफ लाइए। हुक्म मेरे आका, तशरीफ लाइए। आइए चपेटी वाले बाबा, आप भी
10 रिप्लाई है। ये काली कमले की हमें बहुत पसंद आई जी बाबा जी, ये अपने दिनेश भाई ने आपके लिए तोहफा दिया छोटा सा। बहुत बहुत शुक्रिया जिस किसी ने भी ये तोहफा हमारे आका के लिए पेश किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत नवाजे। जी आका हुक्म, मेरे आका हुक्म, इजाजत है। आज का क्या मसला है और किस लिए हमें याद क्या किया है, मसला पेश किया जाए। बाबा जी मसला ये है कि अपने शराफत भाई और मोनू भाई जो है वो लोग कल गए थे, एक कोई मतलब कोई गांव है आसपास में, वहाँ पे मतलब एक छोटी सी बच्ची है, तो वो क्या है बाढ़ का बहुत पानी और बाढ़ की वजह से क्या वो पुल से बह के चली गई और उस बच्ची की हो गई मौत। तो उस बच्ची के माँ बाप जो है वो इनसे शराफत भाई से और इनसे मिले होंगे, तो उन्होंने इनको बताया कि उस बच्ची की आत्मा जो है उसके माँ बाप को कई बार दिखती है, तो उनके माँ बाप को अब ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब वो बच्ची जिंदा है या बच्ची उनसे कुछ कहना चाहती है, बच्ची की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, ये सब चीज़ मतलब क्या दिक्कत है। तो इस मामले के लिए उन्होंने जो है वो मतलब बात करी शराफत भाई से कि ये क्या चीज़ है। और उसके बाद दूसरा एक और इसी के साथ एक और चीज़ हुई कि शराफत भाई और ये जो है मोनू भाई जब रात को गए वहाँ, तो ये जब मतलब पूरा अंधेरा और जहाँ पे हमको हाथ से अपना हाथ भी नहीं दिखता है इतना अंधेरा, वहाँ पे उस पुल के पास जहाँ वो घटना हुई थी वहाँ पे इनको ना वो बच्ची दिखी ना और कुछ वैसा, लेकिन उनको दिखा एक आदमी, और वो आदमी दिखा अलग झपकते दिखा, और उसके बाद वापस उसके बारे में कुछ समझ नहीं आया कि वो इंसान था, कोई आया था वहाँ सुसाइड करने आत्महत्या करने या कोई रूह थी या क्या था। तो ये मामला दोनों एक ही जगह पे, तो इस चीज का आप क्या करें आगे। जी आका जैसा हुक्म मेरे आका, चपेटे वाले बाबा जाइए और देख कर आइए कि क्या मसला है, और वहां पर अगर कोई आत्मा या बला का साया है तो उसे हमारे सामने पेश किया जाए। जी आका जाइए, ये तिलिस्मी डब्बी लेकर जाइए और उस आत्मा उस बला को हमारे सामने पेश किया जाए। जाइए जाइए, इजाजत है। जी आका हुक्म मेरे आका, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आखिर ऐसी तो कौन सी बला है जो अपने ही माता पिता को परेशान कर रही है। जी आका आराम से बैठिए सामने, चपेटे वाले बाबा आराम से पेश आइए थोड़ा इनसे, सीधे बैठो पहले बेटा, हमारे सामने ये बदतमीजी नहीं चलेगी। अब आप हमें बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था और क्यों आप अपने ही माँ बाप को दिखती हो और उनको परेशान करती हो। जी 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 बिल्कुल जी, जी आपका कहने का मतलब यह है कि आपकी मौत से पहले मौत हुई थी जिसकी वजह से आप वहां पर भटक रहे हो, और आप अपने माँ बाप को ये कहना चाहते हो कि आपकी रूह को शांति दिलाए, इसलिए बार बार आप उनको दिख रही हो। ये काम हम आपका कर सकते हैं, आप हमें बताइए कि आखिर क्या करना होगा। ठीक है जी आका,
ये बच्ची बोल रही है कि इसकी मौत से पहले मौत हुई थी और अब इसको एक सफेद रंग का कपड़ा चाहिए, चूड़ा चाहिए, जिसे ये पहन सके, और वो सारे से जो सामान चाहिए जो एक लड़की को जरूरत होती है, और वो इसके माँ बाप इसके लिए करे। जिया का मैं इन्हें बताता हूं। सुनो, इसके माँ बाप को तुम्हें बोलना है कि इसके लिए एक सफेद जोड़ा और इसके पहनने ओढ़ने की सारे जो एक लड़की को चाहिए वो सब इसे दिया जाए, और वो एक फकीर के साथ जैसे रूह का कड़ा निकलता है वैसे इसके सारों से जो समाज लेकर एक फकीर को देना है जिससे इसको मिल जाए, और फिर उसके बाद इसके माँ बाप को उस जगह पर जाना है जिस जगह पर इस बच्ची की मौत हुई थी। वहां पर 11 तरह की मिठाई लेकर वहां पर रखनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि इसकी बच्ची को शांति मिल जाए, इसकी बच्ची की रूह को अल्लाह जन्नत नसीब करे। इसके माँ बाप जैसे ही अल्लाह के बारगाह में दुआ करेंगे इसके लिए, वो दुआ कबूल हो जाएगी और इस बच्ची को शांति मिल जाएगी। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना, अगर थोड़ी भी इसमें गलती हो गई तो ये बच्ची परेशान होगी, और ये बच्ची अगर परेशान हो गई तो इसके माँ बाप को और सबको परेशान करेगी। ठीक है बेटा, चपेटे वाले बाबा चाहे इनको वापस वहीं पर छोड़ आइए जहां से इनको लेकर आए हैं, और इन्होंने हमसे वादा किया है कि अब ये परेशान नहीं करेगी, और हमने भी इनसे वादा किया है कि हम इनका काम करेंगे। चाहिए, अब मैंने जो बोला है तुम्हें वैसा ही करना है, समझ में आया? जी जी। अब मेरे आका को इजाजत दीजिए। आका आपको इजाजत देते, जैसा मैंने बोला वैसा ही आपको काम करना है, और अब हम भी इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरफत भाई देखो आराम से, मंगी भाई क्या बोला बाबा जी ने? देखो बाबा जी आए और बाबा जी को सारी हमने जो मसला है जो चीजें जी जी आप लोग गए थे एक्सपीरियंस की वो सारी चीजें बताई है। जी जी जी। तो उन्होंने बताया है कि देखो मतलब उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, उसमें उनके माँ बाप की मौजूदगी तो चाहिए। जी जी। उनके माँ बाप उस बच्ची के लिए मौजूदगी मतलब उसकी लड़की जो बच्ची जिसके लोकेशन पे आप लोग गए थे। जी जी। लेकिन आपको तो कोई और दिखाना वहां। जी 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 जी। उस लड़की के माँ बाप उनकी मौजूदगी चाहिए, अगर वो दुआ करेंगे अपनी बच्ची के लिए और साथ में 11 तरह की मिठाई। जी जी जी। 11 तरह की मिठाई और रूह का घड़ा और व्हाइट कलर की ड्रेस और लड़की जो सामान होते हैं वो सब लेके वहाँ पे। जी जी। जाना है। और कहाँ पे जाना है? वो सामान लेकर जाना है उसी जगह जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे वो जो चीज हुई थी ना लड़की जहाँ जिस स्कूल पे बैंक गई थी। हाँ। तो वहाँ पे उनके घर वाले को बताना है, उन घर ये काम उनके घर वाले करेंगे। अच्छा, हमको उनको बताना कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन करना उनको ही, हम अपने लेवल पे डायरेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। ताकि उनके उनके सपने में आती है, उनको दिखती है बच्चे की रूह, तो वो करेंगे तभी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। और इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से भी नहीं और उनके माँ बाप की तरफ से भी नहीं। बाबा जी ने साफ दो बार बोला है कुछ भी भूलना नहीं और कुछ भी ऐसे नहीं कि हम होता है ना अपन अपनी बातों में जैसे पहले वो भूल जाता हुआ था केस का। जी जी। तो चलिए गाइस, बाकी जो मैं वीडियो देखकर पता कर लूंगा कि बाबा जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो उस हिसाब से मैं उनको जो है समझा दूंगा, उनके परिवार वालों की आपको क्या करना है ताकि आपकी बच्ची को जो है रूह को शांति मिल जाएगी। ठीक है,
तो चलिए गाइज इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच और वी लव यू ऑल।